मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऑस्ट्रेलिया में 10 ऐसे फील्ड जिनमें आप अपना करियर बना सकते हैं। मैं आज इस वीडियो में सारी डिटेल्स में बताने वाला हूं कि आप किस जॉब में कितने पैसे कमा सकते हैं, किस जॉब को आगे चल करके अपना करियर बना सकते हैं, किस फील्ड को आप अपने जीवन के लिए उचित समझते हैं और चुनना चाहते हैं एज ए करियर। तो चलिए और विलंब न करते हुए शुरू कर लेते हैं अपने वीडियो को। तो नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे सिडनी ऑस्ट्रेलिया से और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके आप बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उस विषय पर भी आपको वीडियो बना करके और उससे संबंधित कुछ जानकारियां आपको दे सकें। नंबर 10 पे मैं जिस फील्ड को रख रहा हूं वो है फूड डिलीवरी। मित्रों, हैं ऑस्ट्रेलिया में फूड डिलीवरी का काम काफी अच्छा होता है। अगर आप नए नए आए हैं किसी भी फील्ड की आपकी पढ़ाई लिखाई या कोई भी कोर्स कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हो, पीआर हो, टीआर हो, किसी भी तरह का आपका वीजा हो, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो यस, आप इमीडिएट कर सकते हैं, वो है फूड डिलीवरी। अब फूड डिलीवरी के लिए उबर ईट वगैरह भी है, आप साइकिल से भी कर सकते हैं, स्कूटर से भी कर सकते हैं, बाइक से भी कर सकते हैं और कार से भी कर सकते हैं। शुरुआती दिनों में मुझे लगता है कि जब तक आपको अपने फील्ड का कोई जॉब नहीं मिल जाता है तो ये जो फूड डिलीवरी का काम है ये आपको ठीक ठाक से पैसे दे सकता है। अगर इसमें लगभग $22 से और $25 पर आवर कमा सकते हैं। हफ्ते में कितना कमाते हैं ये आपकी मेहनत के ऊपर और आप कितना टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं इस फील्ड में उसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप कार वगैरह से चला रहे हैं तो फिर आपका इसमें पेट्रोल वगैरह का भी खर्चा होगा, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक, चूंकि आजकल आ गई हैं, साइकिल्स भी आ गई इलेक्ट्रिक की, अगर आप उनसे करते हैं तो ज्यादा खर्च नहीं आएगा, ठीक ठाक पैसा कमा करके और आप अपनी जिंदगी की यहाँ शुरुआत कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई ट्रेनिंग या अलग से कहीं कुछ खास करवाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। तो 9 नंबर पे मैंने कौन से ऑक्यूपेशन को रखा हुआ है, तो इसमें आता है कार वॉश और दूसरा मैंने इसमें रखा हुआ है क्लीनिंग का काम। तो आपको लगेगा कि क्लीनिंग और कार वॉश तो एक जैसा ही साउंड करता है, नहीं, ये दोनों थोड़ी सी डिफरेंट जॉब्स हैं। देखिए, अगर आपको आते ही कोई जॉब नहीं मिल रही है तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे जो हैं तो कार वॉश होते हैं, कुछ तो ऑटोमेटिक हैं बट बहुत सारी जगहों में है जहां पर लोग कार वॉश अपना हाथ से करते हैं, तो वहां पे भी आपको जॉब मिल सकती है। उसके लिए बहुत ज्यादा स्किल की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, थोड़ा सा मेहनत का काम है, आपको शुरुआत में लगेगा कि आप थक जाते हैं, लेकिन आप ठीक ठाक सा पैसा उसमें भी कमा सकते हैं। $22 से लेकर के और $25 पर आवर के हिसाब से आपको कार वॉश में भी पैसा मिल सकता है। अब डिपेंड करता है कि आप सिडनी या मेलबर्न में काम कर रहे हैं यही, या किसी छोटे कस्बे या शहर में कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हो सकता है $1-2 पर आवर के हिसाब से आपको कम ज्यादा मिले, लेकिन हाँ, जनरली जो है तो $22 से $25 आप कमा सकते हैं। अब ये फिर से यही करता है कि आप कितने आवर्स वीक में काम करते हैं, उसके हिसाब से आप इससे पैसे कमा सकते हैं। दूसरा है क्लीनिंग का। क्लीनिंग का तो क्या है कि क्लीनिंग के इंडस्ट्री में देखें इंडियंस बहुत सारे हैं, बाकी कंट्रीज के भी लोग हैं, तो लोग क्या करते हैं कि कुछ अपना फ्रेंचाइजी वगैरह ले लिया, ठेका ले लिया और उसके बाद में 2-4 लोग जिस तरह का उनका काम होता है उस तरह से लोगों को अपने यहां पर वो जॉब्स देते हैं। अगर आपके पास में कुछ पैसे हैं तो आप खुद भी, ऐसा नहीं कि आप स्टूडेंट हैं तो आप ये काम नहीं कर सकते, ऑफकोर्स आप भी कर सकते हैं, आप खुद भी फ्रेंचाइजी लेकर के कर सकते हैं, किसी और को भी रख सकते हैं, लेकिन शुरुआत में लोग नहीं करते हैं, दूसरों के ही यहां जाकर के जॉब कर सकते हैं। इसमें भी आपको जो है तो वही $22-23 से लेकर के और $25-26 पर आवर के हिसाब से आप इसमें भी कमा सकते हैं आगे। और नंबर 8 पे मैंने रखा हुआ है किचन हैंड का काम। अब किचन हैंड देखिए, जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं ज्यादातर जो भी खाना पीना सर्व करने वाले बिजनेसेस हैं उसमें किचन हैंड की जरूरत पड़ती है। तो किचन हैंड में सबसे अच्छा जो पेमेंट मिलता है ऑफकोर्स वो मिलता है शेफ को। तो अगर आप इंडिया या अपने किसी भी कंट्री से शेफ का कोर्स करके आए हैं, अब देखिए अगर आप इंडियन रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, कॉन्टिनेंटल में कर रहे हैं या तरह तरह के अलग अलग कंट्रीज का अपना कुजीन होता है, तो ऐसे किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं और पहले से अगर आपने इसका कोई कोर्स वगैरह कर रखा है, अच्छी खासी ट्रेनिंग कर रखी है, मैं आपको अभी बता रहा हूं मित्रों कि ऑस्ट्रेलिया में लगभग यहाँ के छोटे और बड़े किसी भी शहर में आप चले जाइए, हर जगह जो है तो आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। अब इंडियन रेस्टोरेंट्स में मुझे लगता है अच्छे शेफ की जरूरत हमेशा रहती है। एक तो शेफ की जॉब है और शेफ में जो है आपको 70,000 से लेकर के 1,00,000 तक जो है आराम से शेफ की सैलरी मिलती है। डिपेंड करता है वही कि आप किस तरह का काम कर लेते हैं, उससे ज्यादा भी आप कमा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के शेफ हैं, आपका खाना कितना पसंद किया जा रहा है, लेकिन हाँ यह है कि एक शेफ की अच्छी जॉब होती है। दूसरा होता है वेटर्स की या वेटरेसेस की, जो ऑर्डर भी लेने जाते हैं और किचन हैंड और बहुत सारा काम होता है, लाइक आप जो हेल्प कर रहे होते हैं किचन में, तो उस तरह के भी काम होते हैं और डिश वॉशर वगैरह का काम होता है और किचन का अपना खुद का जो क्लीनिंग वगैरह का काम है, तो ये सब काम भी एक रेस्टोरेंट्स में निकलते हैं। और इस तरह के कामों के लिए देखिए, अगर आप शेफ का काम करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास में कुछ ना कुछ कोर्स हुआ रहना चाहिए और पहले से आपको खाना वगैरह बनाने आना चाहिए, अब वो चाहे इंडियन खाना बना रहे हो या किसी भी दूसरी कंट्री का और भी कुछ हो। लेकिन अगर आपको दूसरे काम करने तो उसके लिए बहुत ज्यादा कोई ट्रेनिंग वगैरह की जरूरत
जरूरत नहीं होती है। मेरी एडवाइस ये है कि बस जब आप कहीं पर भी अगर आप कैश काउंटर यहाँ पर काम कर रहे होते हैं थोड़ा सा स्माइली फेस रखें, अच्छा लगता है। अगर आप जाकर के टेबल पे सर्व भी करते हैं तो वहां भी थोड़ा सा स्माइली फेस रखें, ये अंग्रेजों को अच्छा भी लगता है और उनकी कल्चर में आप देखेंगे कहीं पर भी अगर इनके कैश काउंटर में इंग्लिश लोग खड़े होंगे, लड़की हो या लड़के हों, तो थोड़ा मुस्कुरा करके बात करते हैं, सर्व करते टाइम भी करते हैं। तो हाँ, इस तरह के काम है जो आप किचन हैंड में भी कर सकते हैं और इसमें से भी ठीक ठाक पैसे आप कमा सकते हैं। जनरली वही $22-24 से लेकर के और $28-30 तक आप इसमें पर आवर के हिसाब से किचन हैंड में भी कमा सकते हैं। और सातवें नंबर पर मैंने रखा हुआ है टैक्सी, ओला, उबर आदि, ये आप ड्राइविंग कर सकते हैं। मतलब ये एक तरह से जो है तो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सकते हैं, टैक्सी चला सकते हैं, उबर चला सकते हैं। इन सब के लिए देखिए टैक्सी वगैरह के लिए भी आपको लाइसेंस तो ऑफकोर्स यहाँ का लेना ही पड़ेगा, उबर वगैरह चलाने के लिए भी लेना पड़ेगा। और इसमें भी आप $200-400 पर डे कम से कम कमा सकते हैं। कुछ लोग टैक्सी वाले या उबर वाले जो है फ्राइडे सैटरडे या थर्सडे की नाइट्स को जो है इससे भी ज्यादा अच्छा कमा लेते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज जो है तो $300-350 आपका पर डे का तो कम से कम बन ही जाता है अगर आप इस फील्ड में काम कर रहे होते हैं। देखिए जब उबर वगैरह ओला वगैरह यहाँ पर नहीं था तो केवल टैक्सी था, तो टैक्सी का तो काफी डिफिकल्ट एग्जाम और टेस्ट और सब कुछ देना पड़ता था, काफी इजी हो गया है लाइसेंस बना करके, और ये काम भी आप यहाँ पर कर सकते हैं और इसको थोड़ा लंबे टाइम तक भी करते रह सकते हैं। काफी लोग हैं जो टैक्सी में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं क्योंकि ठीक ठाक सा इसमें आमदनी होती है। लेकिन जब आप टैक्सी उबर ओला जैसा कुछ आप चला रहे हैं तो इसमें आप जब कार मेंटेन करेंगे तो कार के अपने एक स्टैंडर्ड्स होते हैं, ऐसा नहीं कि आप बहुत पुरानी कोई भी किसी भी तरह की कार लेकर के और आप उसको यहाँ पर रोड पर चला सकें, उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं आप उनको फॉलो करना पड़ेगा। और फिर कार का जो भी मेंटेनेंस होगा रजिस्ट्रेशन से लेकर के पेट्रोल से लेकर के, और गाड़ी है जब रोड पर चलती है तो कुछ ना कुछ उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो सारा मेंटेनेंस का खर्च भी आपको करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इसमें ठीक ठाक सा अगर आप मेहनत करते हैं तो इसको थोड़ा लंबे समय तक इससे ठीक ठाक से पैसे आप कमा सकते हैं। और ये काम स्टूडेंट पीआर या टीआर या जो भी है सिटीजन वगैरह भी कर सकते हैं, काफी लोग इस काम को आज भी यहाँ पर कर रहे हैं। और छठवें नंबर पर मैंने रखा हुआ है सिक्योरिटी और फोरक्लिफ्ट। तो देखिए सिक्योरिटी और फोरक्लिफ्ट के लिए भी कोई बहुत ज्यादा ट्रेनिंग वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत सारे कोर्सेज वगैरह नहीं करने पड़ते हैं। सिक्योरिटी के लिए मेरे ख्याल से 4 वीक की ट्रेनिंग होती है और फोरक्लिफ्ट के लिए 2 वीक्स की ट्रेनिंग होती है। हाँ, ऑफकोर्स ड्राइविंग तो आनी चाहिए फोरक्लिफ्ट चलाने के लिए। और सिक्योरिटी के लिए देखिए क्या होता है कि 4 वीक की आपकी जो भी उसमें 2,000, 2,500, 3,000 चूंकि अलग अलग जगह है, अगर आपको सिक्योरिटी की ट्रेनिंग लेनी है तो आप गूगल करके देख सकते हैं, आपको ट्रेनिंग सेंटर्स मिल जाएंगे जहां से आप ये ट्रेनिंग ले सकते हैं। और अब इसमें भी जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस्ड होते जाएंगे उसके बाद में यहाँ बहुत सारी एजेंसीज हैं जिनके थ्रू आपको काम मिलता है। अगर आपको नाइट का काम मिलता है, जैसे छुट्टी के टाइम पे काम मिलता है या ऐसे किसी इंपॉर्टेंट जगह पे मिलता है तो ठीक ठाक सी सैलरी भी उसी हिसाब से आपको ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, मिल जाती है। और फोरक्लिफ्ट में भी इसी तरह से देखिए, फोरक्लिफ्ट तो मुझे लगता है अगर आप इंडिया से सीख करके आ सकते हैं तो अच्छा है, और अगर नहीं भी सीख करके आते हैं तो चूंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 2-3 हफ्ते की बात होती है यहाँ पर भी सीख करके, और वेयर हाउस वगैरह में बहुत जगहों में इस काम की काफी डिमांड है। और इसमें ठीक ठाक से देखिए $25 से लेकर के लगभग $35, देखिए सिक्योरिटी में तो इससे ज्यादा भी कभी कभी मिलते हैं, लेकिन हाँ मैं एक रेगुलर बेसिस पे बता रहा हूँ कि $25 से लगभग $35 के आसपास फोरक्लिफ्ट चला करके और सिक्योरिटी में आप कमा सकते हैं। तो ये भी एक आपका करियर ऑप्शन है, और वेयर हाउस वगैरह में आपको परमानेंट जॉब भी मिल सकती है, अच्छी खासी सैलरीज भी मिलती है इसमें, तो मुझे लगता है इसका भी चुनाव करना चाहिए। लाइसेंस लेना पड़ता है जो कि इन ट्रेनिंग्स के बाद में आपको लाइसेंस मिल जाता है, उसके बाद में आप सिक्योरिटी की जॉब कर सकते हैं और आप फोरक्लिफ्ट्स की भी जॉब कर सकते हैं, इनमें से जो भी आपको पसंद है आप कर सकते हैं। और पांचवें नंबर पर मैंने रखा हुआ है ट्रेडीज को। तो ट्रेडीज में होते कौन कौन से हैं देखिए, तो होते हैं इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, प्लम्बर्स होते हैं, पेंटर्स होते हैं, मैकेनिक्स होते हैं, कारपेंटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, तो ये सारे लोग जो हैं तो ट्रेडी में होते हैं। अब ट्रेडी के लिए लाइसेंस लेने के लिए आपको कई बार सर्टिफिकेट कोर्स करने पड़ते हैं, चूंकि अलग अलग इसमें ट्रेडीज हैं तो किसी किसी के लिए आपको सर्टिफिकेट कोर्स करने पड़ेंगे जो कि टेफ वगैरह से हो जाते हैं, या फिर कुछ के लिए आपको कार्ड्स वगैरह लेने पड़ते हैं जो 1 या 2 दिन की ट्रेनिंग से ही मिल जाते हैं इसमें। लेकिन हाँ, कंबाइंड कुछ चीजें आपको करनी पड़ती हैं, डिफिकल्ट ऐसा कुछ नहीं है, कर आराम से आप उसे भी सकते हैं। लेकिन ट्रेडीज का फायदा यह है कि इसको आप एक लॉन्ग टर्म के लिए अपना करियर बना सकते हैं। ऑफ कोर्स शुरुआत में इसमें $25 से लेकर के $40-50 तक आप कमा सकते हैं, क्योंकि देखिए जब लाइसेंस लेकर के आप आएंगे तो कुछ ना कुछ दिन तो आपको जॉब वगैरह करनी ही पड़ेगी किसी न किसी के साथ में या किसी कंपनी में जा करके, या कई बार यहाँ पर छोटे छोटे बिजनेस करने वाले लोग होते हैं ट्रेडीज में होते हैं, ज्यादा बड़ा सेटअप नहीं, 2-4 लोगों का ही सेटअप है, तो ऐसी जगहों में अगर आपको जॉब मिलती है तो 2-3-4 साल जब आप जॉब कर लेते हैं लाइसेंस मिलने के बाद, सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह सब कुछ कर लेने के बाद, उसके बाद ये बिजनेसेस ऐसे हैं कि एक छोटा सा सेटअप डाल करके कि एक वैन ले ली,
या आपने एक यूट ले ली और पूरा फुल्ली इक्विप्ड कर लिया, उसके बाद में आप स्वयं का भी ये काम कर सकते हैं। और जब आप स्वयं का ये काम करने का जब आप में साहस आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए, अगर आप शुरू कर लेते हैं तो डेफिनेटली इसमें आप बहुत बढ़िया पैसे कमा सकते हैं। मतलब बिजनेस के लिए अपना डिजिटल मार्केटिंग वगैरह खुद भी करवा सकते हैं। अगर आप खुद पढ़े लिखे आदमी हैं तो आजकल ऐसा कुछ नहीं, एक आध घंटे हफ्ते में दो घंटे बैठ करके आप अपनी खुद की मार्केटिंग भी कर सकते हैं, तो आपको तमाम सारे ढेर सारे क्लाइंट्स भी मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा बिजनेस है। इसमें थोड़ा सा फिजिकल वर्क होता है ऑफकोर्स, अगर पेंटिंग करनी है या प्लम्बिंग का काम करना है, लेकिन हाँ पैसे लोग इसमें भी अच्छा कमाते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ट्रेडीज के साथ में होती है, आप पता कर लीजिएगा कि ये आपको, अगर आपके पास पीआर नहीं है तो ये पीआर वगैरह दिलवाने में भी आपकी हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ ट्रेडीज की हमेशा आवश्यकता होती है, तो गवर्नमेंट इस जॉब को प्रायोरिटाइज करती है। चौथे नंबर पर मैंने रखा हुआ है यहाँ पर ट्रक ड्राइवर्स को, क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स दुनिया के सभी कंट्रीज में हमेशा डिमांड में होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी ऑफकोर्स डिमांड में है, तो इसमें छोटे और मझोले ट्रक्स भी होते हैं, बड़े ट्रक्स भी होते हैं। तो एक शहर से दूसरे शहर में माल ढोने का जो काम होता है उसमें अच्छा पैसे भी अच्छे खासे मिलते हैं। और इसके लिए अगर आप इंडिया से पहले से कंट्री से ट्रक ड्राइविंग वगैरह सीख करके आते हैं तो आपको फायदा यह होगा कि जब आप यहां पे ट्रेनिंग और लाइसेंस के लिए आप सब टेस्ट वगैरह दे रहे होंगे तो पहले से हाथ आपका साफ रहेगा, तो थोड़ा सा इजी होगा। ऑफ कोर्स यहां पर तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, वो सारे जो भी टेस्ट वगैरह हैं वो देने पड़ेंगे, लेकिन ट्रक ड्राइविंग में मुझे लगता है कि अच्छा खासा करियर है, अच्छा खासा पैसा है। कि आप ट्रक ड्राइविंग करते हुए दो साल चार साल में जब आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाए, अच्छे खासे आपके कॉन्टैक्ट्स हो जाते हैं, तो आप अपना खुद का भी ट्रक सेकेंड हैंड या नया खरीद करके अपना खुद का बिजनेस डाल सकते हैं, किसी और के बजाय अपने लिए काम कर सकते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे एक मित्र हैं, उनका पहले कुछ अच्छा दूसरा बिजनेस था, फिर वो वाइंड अप होने वाला था, तो उसके पहले ही उन्होंने जो है ट्रक ड्राइविंग का काम सीखा। उसके बाद में मैं बता दूं, वो ट्रक देखे, मुझे उसका नाम अवगत नहीं पता है, आपने देखा होंगे बड़े से ट्रक होते हैं जिसमें गिट्टी और आरसीसी और सीमेंट वगैरह मिक्स करके और बिल्डिंग यहां बनती है वहां पर पहुंचाते हैं, तो उनको प्रॉपर वैसा सेंटर मिला क्योंकि वहीं पर उन्होंने शुरू में एक दो महीने जॉब किया, फिर वहीं पर उन्होंने ट्रक खरीद भी लिया और वहीं के ड्राइवरों को रखा। मेरे ख्याल से जब लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी, काफी दिन हो गए वैसे, तो उन्होंने दो ट्रक खरीद लिए थे विद इन ईयर टाइम, एक साल के अंदर अंदर खरीद लिए थे, और $1,500 पर डे की उनकी जो है ट्रक से इनकम हो रही। तो इसमें करियर बहुत अच्छा है, और जब आप एक जगह से दूसरे जगह मालवाहक का काम कर रहे होते हैं एज ए ट्रक ड्राइवर तो भी अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, और यहाँ के ट्रक्स वगैरह पूरी सुविधाओं से लैस होते हैं। $1,00,000 पर एनम से लेकर के $1,50,000 तक आराम से आप उसमें सैलरी कमा सकते हैं। मतलब इंडिया का देखा जाए तो 55-60 लाख रुपए से लेकर के 75-80 लाख रुपए साल का आप एज ए ट्रक ड्राइवर यहाँ पर कमा सकते हैं। तो यस, ट्रक ड्राइविंग का भी एक बहुत अच्छा काम है यहाँ पर जो आप कर सकते हैं। नंबर तीन पर मैंने मित्रों रखा हुआ है ऑल ऑफिस जॉब्स। तो ऑफिस से रिलेटेड जितने भी जॉब है नंबर तीन पर हैं, इनमें काफी अच्छी सैलरीज मिलती हैं, लेकिन भाई ऑस्ट्रेलिया में चूंकि टैक्स बहुत ज्यादा जाता है, तो जितनी ज्यादा आपकी हाई सैलरी होगी उतना ही ज्यादा आपका टैक्स भी कटेगा। तो ऑफिस जॉब्स में कौन कौन से लोग आते हैं, तो अकाउंटेंट्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, आईटी स्पेशलिस्ट हैं, कोडर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, तो ऐसे तमाम सारे फील्ड्स हैं जिनको ऑफिस की जॉब मिलती हैं। हाँ, इनमें सैलरीज अच्छी होती हैं, लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि आपको टैक्स भी उसी हिसाब से देना पड़ेगा। यहाँ पे समझ लीजिए कि ऑफिस की जॉब $70,000-$80,000 पर एनम से शुरुआत होकर के और 3 लाख 3.5 लाख 4 लाख पर एनम तक मिलती है। सभी को नहीं मिलती, लेकिन अब जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस्ड होते जाते हैं और जैसी आपकी कंपनी है, जैसा आपका रोल है, जॉब है, उसके हिसाब से, लेकिन इन फील्ड्स में लोग काफी अच्छा पैसा कमाते हैं। और नंबर दो पे आता है फाइनेंस सेक्टर। फाइनेंस सेक्टर में जॉब पाने के लिए आपको बैचलर की डिग्री करनी पड़ती है, प्लस आपको मास्टर्स भी करना पड़ता है, स्पेशलाइजेशन करना पड़ता है। ये हाईएस्ट पेइंग जॉब है, तो इसमें 100K से लेकर के मतलब $1,00,000 पर एनम से लेकर के 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख तक भी जाते हैं जब आप किसी बड़ी पोजिशन में पहुंच जाते हैं। बस वही है कि भैया जितना ज्यादा आपको सैलरी मिलेगी उतना ही ज्यादा आपको टैक्स लगेगा, लेकिन आप टैक्स एजेंट्स वगैरह से कांटेक्ट कीजिए, वो तमाम सारे आपको रास्ते बताएंगे किस तरह से कहाँ इन्वेस्टमेंट करके और जो है आप अपने टैक्स को थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं, और भी तमाम सारे साधन होते हैं, मतलब सही रास्ते पर चल करके क्या टैक्स बचाया जा सकता है। मैं टैक्स चोरी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो नंबर वन पे आता है मित्रों मेडिकल फील्ड, जिसमें आते हैं जीपी, डॉक्टर, सर्जन, डेंटिस्ट, साइकियाट्रिस्ट और तमाम सारे जो स्पेशलाइजेशन किए हुए लोग होते हैं वो होते हैं, लैब में होते हैं, रेडियोलॉजी में होते हैं, नर्सेस होती हैं, मतलब होते हैं नर्सेस, तो मतलब मेल फीमेल दोनों ही होते हैं। तो काफी बड़ा विस्तृत फील्ड है मेडिकल का और इसमें अच्छी सैलरीज हैं। नर्सेज वगैरह की भी जनरली देखा जाए तो $80,000-$90,000 पर एनम से शुरुआत हो करके और डॉक्टर्स की तो 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख मतलब इससे भी ज्यादा हो सकती है किसी सर्जन की। तो ये डॉलर्स में है, $4,00,000-$5,00,000 पर एनम के हिसाब से है।
तो काफी अच्छा ये फील्ड है, इसमें बहुत अच्छी सैलरीज हैं, लेकिन वही है कि अगर आप मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं तो ऑफकोर्स इसमें आपको 4-5 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी, हो सकता है उससे ज्यादा पढ़ाई करनी पड़े, क्योंकि मेडिकल के जो पेपर्स वगैरह हैं, जो एग्जाम्स हैं, उनको क्लियर करना इतना आसान नहीं होता, काफी डिफिकल्ट होता है। लेकिन हाँ, मैंने कोशिश किया है कि अपने इस वीडियो में जो हाईली क्वालिफाइड लोगों के लिए जॉब्स हैं, या नॉर्मल क्वालिफाइड लोगों के लिए हैं, या बिल्कुल कम पढ़े लिखे लोगों के लिए जॉब्स हैं, सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह करके कुछ कार्ड्स वगैरह लेकर के गवर्नमेंट से, उस तरह की सभी जॉब्स को मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है इसमें। केवल ऐसा नहीं है कि केवल इंडियंस के लिए ही है, किसी भी कंट्री से बिलोंग करने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसके लिए जॉब्स हैं। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया आते हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया आने की प्लानिंग करते हैं, तो मेरी आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि भाई यहां आकर के हम सब कुछ सीख लेंगे, ये एटीट्यूड न रखने के बजाय आप इंडिया से या अपनी कंट्री से सीख करके आइए। ऑफकोर्स यहां पे आपको जब आप लाइसेंस लेने या सर्टिफिकेट लेने जाएंगे तो थोड़ा बहुत यहां तो ऑफकोर्स करना पड़ेगा, लेकिन अगर पहले से अपनी होम कंट्री से सीख करके आएंगे और आपको कॉन्फिडेंस होगा, तो यहां आकर के कुछ भी सीखना आपको ज्यादा स्ट्रेसफुल नहीं लगेगा, आसान हो जाएगा। हाँ, इन सब फील्ड्स में लेकिन आप अपना करियर बना सकते हैं। अगर आप यहाँ रह रहे हैं, अभी तक आपको कोई फील्ड सही से नहीं मिला है, तो आप इनमें से किसी एक फील्ड को चुन करके और ट्राई कर सकते हैं। यहाँ हार्ड वर्क होता है, आप किसी भी फील्ड में हो, आपको बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता है, और उसके बाद ही यहाँ पर इतना अच्छा पैसा भी मिलता है। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके आप बताइएगा कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। किसी और टॉपिक पे भी अगर वीडियो चाहते हैं तो मुझे लिख करके कमेंट करके आप बताइएगा। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, मिलता हूँ फिर किसी दूसरे वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।